कहां लोगों का एक नहीं पैदा होता, इनके दो दो हुए, वो भी किसी बिना आईवीएफ के। आईवीएफ में साइड इफेक्ट है, महिलाओं की जिंदगी खराब हो जाती है। जिस मटके में मुझे पानी भरना है, जो कच्चा है उसको पका तो लेने दो। आईवीएफ में पुरुष के शुक्राणु को और महिला के अंडाणु को, और रिस्क के लिए बचने के लिए डॉक्टर 2-3 अंडे डालते हैं, तो डबल बच्चे होने की, ट्रिपल बच्चे होने की संभावना भी आईवीएफ में ज्यादा होती है। इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होना, आईवीएफ में लाखों रुपए बर्बाद कर देना। आजकल हर शहर में मधुमक्खी की छत्ते की तरह आईवीएफ सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान बच्चा ही पैदा नहीं कर पा रहा। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूं, ये दो दो बच्चे, कहां लोगों का एक नहीं पैदा होता, इनके दो दो हुए, वो भी किसी बिना आईवीएफ के। फर्टिलिटी हुई आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से, आयुर्वेद के डॉक्टरों की मदद से। तो अब पूछते हैं इनसे और इनकी पूरी स्टोरी सुनाता हूं, और मैं सबको बोलूंगा जो भी आईवीएफ में जाके पैसा बर्बाद कर रहा है, आईवीएफ में साइड इफेक्ट है, महिलाओं की जिंदगी खराब हो जाती है, पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन बिगड़ जाते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, मियां बीवी के झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि आईवीएफ के जो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं उसके साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये पहला बच्चा 2019 में पैदा हुआ हमारे ही संस्थान के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्म की मदद से, और ये दूसरा बच्चा अभी 2 साल का हो गया, 2022 में पैदा हुआ। अब इनसे पूछते हैं, आप कहां से हो, क्या प्रॉब्लम आई थी, शादी को 5 साल बीत गए थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ट्राई कर रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था, और इनको भी किसी ने बोला आईवीएफ में जाओ, वही है सब कुछ, लेकिन भला हो इनके किसी दोस्त का, और हिमाचल के रहने वाले थे, और इनको किसी डॉक्टर ने सलाह दी कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जीरकपुर चंडीगढ़ में, उनसे जाके मिलो। तब ये मिले और आपके सामने ये गुड़िया और ये दूसरी गुड़िया। तो सर अब आप बताओ, ये पहला बच्चा कब पैदा हुआ है? ये 2019 में पैदा हुआ है, 2019 पैदा हुई है, 2019 में हम हरजन ट्रीटमेंट ले चुके थे, काफी जगह ट्राई भी किया, पर कहीं भी जगह रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम किसी ने हमें बताया तो हम फिर यहाँ पे आए, फिर सर के साथ, मैम गीतिका मैम के साथ हमारी बातचीत हुई, तो यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। फिर उसके बाद हमारे ये दो और सुन लो, हमने इनको बोला था 3 महीने लगेंगे ट्रीटमेंट में, 3 महीने बोला था, ये इनको सबर भी नहीं था, हमने मना भी किया था कि 3 महीने परहेज करना, क्योंकि हम लोग कई बार देख चुके, हमारे यहाँ सैकड़ों पेशेंट हैं, हम उनको 3 से 6 महीने का टाइम मांगते हैं, लेकिन कितने ही पेशेंट हैं महीने वाली टोकरी लेके आ जाते हैं, 2 महीने बाद टोकरी लेके आ जाते हैं जी प्रेगनेंसी होगी। हम बोलते हैं हमें ट्रीटमेंट पूरा तो कर लें दो, उस गर्भ को मजबूत तो कर लें दो, जिस मटके में मुझे पानी भरना है, जो कच्चा है उसको पका तो लेने दो, लेकिन लोग नहीं मानते। और इनके साथ भी यही हुआ, ट्रीटमेंट शुरू होने के 1.25 महीने बाद ये प्रेगनेंट होगी मैडम, और उसके बाद ये बच्ची हुई, बच्ची बिल्कुल हेल्दी हुई, और अब ये दूसरा बच्चा भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से, जो जिसको हम पता क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं बीज शुद्धि, जो बीज है, शुक्राणु है, अंडाणु है, स्पर्म और ओवम है, इन दोनों की पहले शुद्धि कराओ, शरीर की शुद्धि कराओ, फिर हम बोलते हैं बीज शुद्धि के बाद गर्भ शुद्धि, जिसमें बीज ने धारण होना है, वो हो गया गर्भ शुद्धि, फिर हो गया गर्भ धारण, फिर गर्भ धारण जब हो गया तब गर्भ संस्कार, 9 के 9 महीने क्या खाएंगे आप, क्या पिएंगे, क्या ज्यादा खाएंगे, क्या कम खाएंगे, कौन से मौसम में क्या नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब उसके बाद कोशिश करते हैं बच्चा भी नॉर्मल पैदा हो, नेचुरल कंसीव हुआ है तो नेचुरल डिलीवरी हो, मतलब बच्चा ऑपरेशन से ना हो। फिर हम कोशिश करते हैं बाल संस्कार, कि बच्चे को अब क्या खिलाना है, क्या बचपन में गुट्टी देनी है, कौन सी जड़ी बूटियां देनी है, कब गिलोय का काढ़ा देना है, बुखार होने पर दवाई देनी, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो मैं आपसे चाहूंगा इनसे सुनते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कत थी जो डॉक्टरों ने बताई थी, क्योंकि कई किसी को पीसीओडी बता दिया जाता है, किसी को यूट्रस में बल्की बता दी जाती है, किसी के हार्मोन डिस्टर्ब है, कि किसी के पीरियड्स में प्रॉब्लम है, कि कई बार कोई और किसी तरह की दवाई खाने की वजह से हम बार बार अबॉर्शन हो जाता है। तो अब इनसे पूरी बात सुनते हैं, आप बताओ पूरा क्या केस था, पहली बार आप हमारे पास कैसे आए और उसके बाद क्या क्या हुआ। सर मैं सबसे पहले जब आई थी तो यहाँ पे जो वो मतलब सभी जगह से जो वो हमें जो वो नाराज़ ही मिली थी, इवन कि मुझे जो वो हम एक आईवीएफ के जो वो सेंटर में भी गए थे, वहाँ पे उनका कैंप लगा था, तो किसी फ्रेंड ने बोला था कि वहाँ पे चले जाओ आप, वहाँ भी गए, वहाँ पे 2000 दे के भी आ गए थे हम। तो उसके बाद हमने जो वो माइंड सेट किया कि नहीं, फिर किसी ने बताया हमें फ्रेंड ने कि आप जो आयुर्वेदा में इस संस्था में जाइए,
शुद्धि संस्था में, शुद्धि आयुर्वेदा में जाइए। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे डॉक्टर गीतिका चौधरी जी से मिले, आचार्य जी से मिले, और इन्होंने जो वो हमें गाइड किया, और मैं मैम के सामने रो पड़ी कि मुझे जो वो ऐसे ऐसे सभी डॉक्टर्स जो वो बोल रहे हैं कि आप जो वो कंसीव जो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके एग जो वो प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं मैम के सामने रो पड़ी, मैम ने जो वो मेरे आंसू जो वो पहुँचे और मेरे को जो वो हौसला दिया कि नहीं ऐसा नहीं, आप कंसीव कर पाओगे और सब कुछ होगा। इन्होंने जो वो जैसे जैसे इन्होंने मुझे बताया मैंने वैसे ही किया, जो इन्होंने जैसे जो भी चीज़ इन्होंने खाने को दी बताया, इन्होंने डाइट चार्ट दिया वो प्रॉपर हमने जो वो लिया। उसके बाद इन्होंने जो मेडिसिन दी हमने वो प्रॉपर ली, और जो वो हमने जो वो ली, और विद इन जो वो वन मंथ के अंदर, विद इन 10 days के अंदर जो वो मेरे को कंसीव हो गया था। मतलब जो पहले महीने में दवाई देते गए हम और आप कंसीव कर गए, जबकि आपको मना किया था कि 3 महीने परहेज करना, उसके बावजूद आपने पहले ही प्रेगनेंसी प्लान कर ली। आपको भरोसा ही नहीं था ना, क्योंकि हो नहीं रहा था 5 साल से, लेकिन आयुर्वेद इतना पावरफुल है कि दवाइयाँ देते गए और इनकी कंसीविंग हो गई। तो उसके बाद इस और इस बच्चे में कितना गैप है? सर इनमें जो वो 2 साल का गैप है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जो दूसरी बच्ची हुई है आपकी, ये भी बिल्कुल हेल्दी हुई है? हाँ जी सर, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, जो IVF में पागलों की तरफ भाग रहे हैं, लोग 3-3 IVF फेल हो चुके हैं, 4th IVF की तरफ जा रहे हैं, लेडीज के साइड इफेक्ट आ चुके हैं, चेहरे पे बाल आ चुके हैं, बॉडी में हार्मोन्स बिगड़ चुके हैं, पीरियड्स ऊपर नीचे हो चुके हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पति को भी दुश्मन मानने लग जाती हैं लेडीज, इतने ज्यादा मूड स्विंग होते हैं क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और कई बार इतने एग्स बन जाते हैं कि डॉक्टर परेशान हो जाता है। हो सकता है बच्चे ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार होकर आए, ऑटिज्म वाले बच्चे आए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लेके आए, दिल में छेद वाले बच्चे पैदा हों, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि IVF में जो निषेचन क्रिया है वो बाहर होती है, लैब में होती है, बॉटल में होती है, ट्यूब में होती है, वहां मिलाते हैं पुरुष के शुक्राणु को और महिला के अंडाणु को, और रिस्क के लिए बचने के लिए डॉक्टर 2-3 अंडे डालते हैं, तो डबल बच्चे होने की, ट्रिपल बच्चे होने की संभावना भी IVF में ज्यादा होती है। और नेचुरली बात है, एक ही गर्भ में जब 2 बच्चे पलते हैं, 3 बच्चे पलते हैं, तो बच्चे कमजोर होने का खतरा रहता है, अर्ली डिलीवरी होने का खतरा रहता है, और बच्चे बीमार होने का खतरा रहता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिल चुका हूं जो IVF से पैदा हुए लेकिन उस बच्चे की स्पीच ही नहीं है, मतलब बच्चा बोल ही नहीं पाता। ऐसे बच्चों से मिल चुका हूं जो बच्चे सुन ही नहीं पाते, तो वो एलोपैथी के साइड इफेक्ट हैं, बिकॉज इंजेक्शन लगा के, जबरदस्ती हार्मोन्स दे के, पेनफुल इंजेक्शन के साथ आपकी कंसीविंग कराई थी, और ये दोनों बच्चे नेचुरल आयुर्वेद से, हमारे जो गर्भ शुद्धि प्रोग्राम है, बीज शुद्धि प्रोग्राम है, गर्भ धारण प्रोग्राम है, उससे ये कंसीव हुए हैं। तो आप लोग गर्भ धारण को, एक शब्द को याद रख लीजिए, हमारा YouTube पे कम्युनिटी भी है, Facebook पे पेज भी है, जहां ऐसे और बच्चों की स्टोरीज भी आप लोग डाला करो। मैं तो सबको बोलूंगा, जिन जिन के बच्चे आयुर्वेद से हुए ना, हमारे पेज पर अपनी स्टोरी शेयर किया करो, ताकि बाकी दुनिया को पता लगे कि IVF नहीं, आयुर्वेद भी इसी देश का है। सर आप बताओ, कुछ कहना चाहोगे? आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। पूरे देश को यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आयुर्वेद ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि कहीं और जाना ना पड़े। मैं सारे भारत को बोलूंगा, हमने पूरे भारत में आज 40 हॉस्पिटल हैं हमारे, 25 डे केयर सेंटर हैं, और 55 हमारे क्लिनिक खुल चुके हैं। अगर किसी को भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा, तो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती होकर हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। आयुर्वेद का सूत्र है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग हो कुपित मल को निकालो। जैसे ये महिला है, हमने क्या किया, हमने इनकी यूट्रस को, हमने इनकी ओवरीज को डिटॉक्स किया, हमने इनके लीवर को स्ट्रांग किया, हमने इनकी अंतों को स्ट्रांग किया, हमने इनकी खाना पीना इनका सही किया, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, सलाद फ्रूट का सेवन बढ़ाया, दूध दही पनीर बंद करवाया इनका। तो ये मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आयुर्वेद बहुत पावरफुल है। इसके अलावा पूरे भारत में किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम में अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना, तो हमारे ही हॉस्पिटलों का नाम आएगा जहां हमेशा हाउसफुल रहता है। किडनी फेल लोगों का डायलिसिस चल रहा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पेशेंट ठीक हो रहे हैं बिना डायलिसिस के, डायलिसिस बंद हो रहा है या कम किया जा रहा है। लीवर फेल के पेशेंट हम संभालते हैं, कैंसर के पेशेंट, 4 स्टेज तक के पेशेंट हमारे पास आते हैं। पूरे भारत में जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो दिल्ली के पास मेरठ में है। पूरे भारत में 120 से अधिक सेंटर्स हैं, हमारे पास पूरे डॉक्टर्स की टीम है। और जो ये हमारा इनफर्टिलिटी का प्रोग्राम है, जो इनफर्टिलिटी, जो बच्चा नहीं होना, जो ये गर्भ शुद्धि है, बीज शुद्धि है, गर्भ धारण का पूरा प्रोजेक्ट है, ये डॉक्टर गीतिका और डॉक्टर मिताली संभालते हैं। तो अगर आप के किसी भी परिवार में जानने वाले के बेबी नहीं हो रहा और वो
IVF ट्राई कर रहे हैं तो IVF में नहीं जाना, हमारे यहाँ डॉक्टर गीतिका डॉक्टर मिताली की टीम को संपर्क करना है। वो लोग खुद मैनेज करते हैं, पूरे केस को खुद मॉनिटर करते हैं। उसके बाद जब आपके यहाँ से हमारे यहाँ फ्रूट, हमारे यहाँ टोकरे आता ना, हम बोलते हैं फ्रूट का भेजना भैया, हमारे को चॉकलेट वॉकलेट मत भेजना या कोई मिठाइयाँ मत भेजना, जब भी भेजना फ्रूट्स का टोकरा भेजना। जैसे आपने भी भिजवाया था जब पहले बिटिया आपकी जब कंसीव हुआ, और फिर जब बच्चा होता है तब भी लोग हमें बोलते हैं हम आपके लिए क्या भेजें, हम बोलते हैं फ्रूट का टोकरा भेज दो, हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मिठाइयाँ और केमिकल तो हम लोगों को मना ही करते हैं। तो ये कपल ऐसे ही और बहुत सारे कपल से हमारी टीम आपको लगातार मिलवाती रहती है और वो आप लोगों से रूबरू कराती है। तो ये जो केस है ये पूरे भारत में जाना चाहिए कि इनके लिए ये जो दो बेटियां हैं ना, ये बेटियां नहीं, इनके यहाँ लक्ष्मी आई है। तो ऐसे बहुत सारी माताएं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज़ जिनके बच्चा नहीं हो पा रहा और वो परेशान है, और IVF महंगा भी पड़ता है। एक IVF नॉर्मली एक साइकिल का 1.5 लाख रुपये लेते हैं और सक्सेस रेट क्या उनका 25 से 35%, और हमारे यहाँ सक्सेस रेट क्या है 80 to 90%, और IVF वाले पता क्या बोलेंगे, हमारा सक्सेस रेट 70% है। झूठ बोल देते हैं आपको, बताएंगे ही नहीं ना सक्सेस रेट क्या है उनका, और साइड इफेक्ट रेट क्या है तुम्हारा 100%। तो IVF का सक्सेस रेट भी कम है और सबसे बड़ी बात है साइड इफेक्ट बहुत है, और साइड इफेक्ट के बाद महिलाओं की ज़िंदगी भी ख़राब होती है, उनको दिक्कतें भी आती हैं, उनको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और ज़्यादातर बच्चे भी ऑपरेशन से होते हैं। जबकि जो बच्चे हम आयुर्वेद से मेंटेन करते हैं और 9 महीने हम गर्भ संस्कार करते हैं जब, तो बच्चे भी नॉर्मल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम योगा बीच में क्या, पहले महीने क्या करना है, दूसरे महीने क्या करना है, तीसरे महीने क्या करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन से महीने में खजूर नहीं खानी, कौन से महीने में आपने आंवले का जूस नहीं पीना, क्योंकि लोगों को लगता है आंवला तो अमृत है, सारा महीने पियो, 9 के 9 महीने नहीं पीना होता, 7वें महीने ज़्यादा ध्यान रखवाया जाता है, क्योंकि 7th मंथ में जो बच्चे कई बार होते हैं ना, आजकल जल्दी अर्ली डिलीवरी हो जाती है क्योंकि महिलाएं फिजिकल लेबर नहीं करती, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 8वें महीने का बच्चा बचता नहीं है, जिसको 8 मासा बच्चा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें हमने 8वें महीने तक वाले बच्चे बचे हैं, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ पहले दिन से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आपकी प्रेगनेंसी से पहले ही आपकी दवाइयाँ शुरू है आयुर्वेद की, गिलोय अश्वगंधा शतावर पपीता जो भी जड़ी बूटियाँ चाहिए, और फिर प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद भी आपको आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ चाहिए जिससे दूध पूरा उतरे स्तनों में, बच्चा पूरा फीड ले पाए, बच्चे को कोई तकलीफ ना आए। इवन कि अब तो और फ़ायदा होने लग गया, हम लोग अभी जो पंचकूला में नया सेंटर खोला है उसको हमने इनफर्टिलिटी स्पेशल कर दिया, हमने 100 बेड का पंचकूला में एक इनफर्टिलिटी स्पेशल हॉस्पिटल खोला है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ आते हैं गर्भ शोधन के लिए, आर्तव शोधन के लिए कि भैया हमें अब बच्चा चाहिए, और हम लोग प्लानिंग करते हैं, और बहुत सारे कपल्स वहाँ से सक्सेसफुली मतलब माँ बाप बनने का सुख देते हैं, और हमें खुशी होती है, मेरी टीम को भी खुशी होती है। तो मैं आपको भी, इनको भी और अपनी पूरी टीम को बधाई दूंगा एक और सक्सेसफुल केस के लिए, और आपसे उम्मीद करूंगा कि कोई भी बड़ी बीमारी या इनफर्टिलिटी अगर है तो हमें संपर्क करो, भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक की चेन है हमारी, और बड़ी से बड़ी बीमारियों पे हम काम करते हैं। अगर आप गर्भधारण से जुड़ी और भी जानकारियां चाहते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे हैव शुद्धि पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हैव शुद्धि पर हम इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस डालते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, बार बार ट्राई करने पर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, PCOD फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो हैव शुद्धि पर आपको इस बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। शुद्धि आयुर्वेद में हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम चाहते हैं कि लोग आयुर्वेद के माध्यम से संतान सुख की प्राप्ति करें, IVF को अपना लास्ट ऑप्शन माने। आज ही हमारे हैव शुद्धि पेजेस को फॉलो कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो सके और हर घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। तो देर किस बात की, फोन उठाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल करें।